अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कलेजी फ्राई। तो उसके लिए लिए मैंने ये चिकन कलेजी, ये देखिए, इसको पहले इस तरह से 1 इंच के टुकड़ों में काट लेना है। और फिर इसको धो लेना है। ये मैंने कलेजी को वॉश कर लिया है, अब पकाना स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब मैं इसमें ये कलेजी के पीसेस डाल दूँगी। इसमें अभी ऑयल मैंने नहीं डाला है, ना ही कोई मसाला ऐड किया है। ये पहले इसको कुछ देर भून लेना जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखिए, ये कलेजी का पानी खुश्क हो चुका है। इसके लिए हमें तकरीबन 5-6 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे, ये 1 बड़ा चम्मच ऑयल है। कलेजी को हमें इस ऑयल में फ्राई करना है। साथ ही इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसको खुले रखते हुए ऐसे ही 3-4 मिनट पका लेना है धीमी आंच पर। इसको उलट पलट कर पका लेना है ताकि हर तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। कलेजी फ्राई हो चुकी है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया इसमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। हाफ टी स्पून साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, कूटी हुई लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। आपको ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो ज़्यादा, कम चाहिए तो कम। इसके अलावा हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस, आधे नींबू का रस। और अब गैस ऑफ कर देनी है। तैयार हो चुका है हमारा चिकन प्लेन फ्राई। अभी मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ।
तो ये है चिकन कलेजी फ्राई, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार है, बहुत आसानी से बन गई। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।